मीट फॉर ईच अदर कहलाने वाली जोड़ी काजोल और अजय देवगन भले ही आज शादी के 23 साल बाद भी एक दूसरे के साथ अपनी शादी के अटूट बंधन में बंधे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनका कोई क्रश नहीं रहा, बल्कि एक समय ऐसा था कि इन दोनों के क्रश हो चुके हैं जिन्हें बहुत ज्यादा लाइक करते थे, पर वे शायद इनकी किस्मत में नहीं थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों पति पत्नी में से किसके सबसे ज्यादा क्रश रहे और कौन अपने क्रश पर जान छिड़कता था? अगर नहीं जानते तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको काजोल और अजय दोनों के क्रश से ही रूबरू कराने वाले हैं और बताएंगे कि किसके क्रश सबसे ज्यादा थे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और जानते हैं। सबसे पहले बात करें बॉलीवुड की सबसे दिलनशी और खूबसूरत अदाकारा काजोल की, जो आज भले ही अपने पति अजय के साथ काफी खुश है, पर एक समय ऐसा भी था जब अभिनेता अक्षय कुमार की दीवानी काजोल रह चुकी थी। जी, आपको बता दें कि इन्होंने खुद कपिल शर्मा के शो पर अपने क्रश के बारे में खुलासा करते हुए सभी को बताया था कि अक्षय को इतना ज्यादा पसंद करती थी कि हमेशा ही उनकी फिल्में देखना चाहती थी और उनके इंटरव्यू भी सुनती थी। यही नहीं बल्कि ये तो हमेशा ही उनके साथ काम भी करना चाहती थी, जिसके चलते साल 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी में उनके साथ इन्हें काम लव पार्टनर के रूप में भी नजर आई थी ये। तो वहीं अब बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम याने के अभिनेता अजय देवगन की। तो आपको बता दें कि इन्हें एक नहीं बल्कि दो दो क्रश इनकी रह चुकी है। जी, आपको बता दें अभिनेत्री रवीना टंडन और करिश्मा कपूर दोनों इनकी क्रश है, जिनसे एक समय पर इनका लव अफेयर भी रह चुका है। बता दें इन्होंने कई सारी फिल्मों में रवीना और करिश्मा के साथ काम किया है और उन्ही फिल्मों के दौरान इनका प्यार परवान चढ़ गया था। हालांकि बताया जाता है कि अजय ने करिश्मा की वजह से रवीना को धोखा दे दिया था। तो वहीं जब इन्हें काजोल से प्यार हुआ तो इन्होंने करिश्मा को भी छोड़ दिया और इसीलिए रवीना और करिश्मा दोनों अभिनेत्रियां की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। पर जो भी हो, आज भी अजय उन्हें अपना क्रश मानते हैं। तो इस तरह साफ हो जाता है कि बॉलीवुड के मशहूर पति पत्नी काजोल और अजय देवगन में से अजय देवगन के ही सबसे ज्यादा क्रश है। तो दोस्तों, आपको अजय और काजोल की लवी डेवी जोड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।